हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रियंका पवन, और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज का ब्लॉग मैं शूट करने जा रहा हूं और कुछ बातें हम लोग करेंगे आज। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं आज आया हूं इस ब्लॉग के लिए। और बातों का जो टॉपिक है, एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है सभी के लिए, और वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सब जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, एक फुटबॉलर है। और ये हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है एक फुटबॉलर है, टिकटॉक यूट्यूब ने इनको बैन किया हुआ है। इसलिए नहीं बैन किया हुआ है कि वो कोई खराब प्लेयर है या कुछ। आप सब जान रहे हैं कि रोनाल्डो क्रिस्टियानो का की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है ना, कि अभी जैसे ही यूट्यूब में वो आए ना, इमीडिएटली आज की डेट में, एज ऑन डेट में अभी शाम को देख रहा था, तो लगभग 43 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। YouTube के लिए भी ये बहुत टफ काम है, क्योंकि जो रोनाल्डो के जो चार्जेस वगैरह है ना, वो इतने हाई है कि सब उसको बेयर करना शायद बहुत मुश्किल है। अगर जो मैं उनकी कुल संपत्ति की बात करूं, तो अगर जो मोटा मोटा देखा जाए तो 7404 करोड़ की उनकी संपत्ति है, 7404 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं रोनाल्डो क्रिस्टियानो। और अगर जो जिस तरह से इनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से इनके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर बढ़ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि 3 से 4 महीने में ये जो है मिस्टर बीस, जो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लेकर बैठे हुए हैं, वो उनको बीट करके, उनको क्रॉस करके आगे निकल जाए। हालांकि अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स के मामले में विराट कोहली और ये सब भी हैं जो उनके पास बहुत अच्छे हैं, बट इनकी अपनी फैन फॉलोइंग अच्छी है। और अगर मैं सच बताऊं तो फैन फॉलोइंग को अगर जो हम देखें ना, तो फैन फॉलोइंग अच्छी है, उनको जो है उनको फैन मानना भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर जो हमें, और आज की डेट में यूट्यूब के चैनल जब मैं खोल रहा हूँ ना, तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो क्रिस्टियानो, रोनाल्डो क्रिस्टियानो, रोनाल्डो क्रिस्टियानो, रोनाल्डो क्रिस्टियानो, अच्छा है उनको मानना, बट भगवान नहीं है। और अगर जो फैन फॉलोइंग की देखनी है, तो कल देखिए ना हमारे फैन फॉलोइंग हमारी, कल क्यों, आज देखिए, क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग शुरू होती है वृंदावन में। जितनी क्रिस्टियानो जी की फैन फॉलोइंग है ना, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में, उतने तो हमारे सिर्फ सिर्फ आज वृंदावन में इकट्ठे हुए होंगे। आप मानेंगे, वृंदावन में कान्हा जी के फैन फॉलोइंग को देखिए, उनके सब्सक्राइबर देखिए, वर्ल्ड वाइड देखेंगे ना, तो उनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी की नहीं होगी। तो उनके चिन्हों पे चलना है, उनकी तरह से बनना है, और उनको थोड़ा सा करना है। और रोनाल्डो क्रिस्टियानो को भी देखिए, बट अभी जो सबसे बढ़िया टाइम चल रहा है वो है कृष्ण जन्माष्टमी का, तो आइए आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, और रोनाल्डो क्रिस्टियानो को भी देखिए, और कृष्ण जन्माष्टमी को भी सेलिब्रेट करिए। तो कुछ वीडियो क्लिप्स भी इसमें डाल रहा हूँ, उनको आप देखिएगा रोनाल्डो के बारे में, और मैं कुछ क्लिप्स आपको भेजूंगा, दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव ऑफ रोनाल्डो। और ये जो है आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग क्यों रोनाल्डो पे पीछे पड़े हैं, मतलब क्यों उनके लिए, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है। एक्चुअली उन्होंने अपने टाइम पे वर्ल्ड कप भी दिया हुआ है अपने कंट्री को, तो उसके लिए भी, और प्लस बंदा भी ठीक है वो, इसलिए। और बहुत एज सच कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एज भी नहीं है उनकी, 39 की एज, और उसी में जो है वो उन्होंने इस, मतलब बहुत कम एज में बहुत सारी कहते ना कि सक्सेस हासिल की है। और जो हम बात करें तो इनके इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेजेस हो, या ट्विटर के पेजेस हो, यानी कि एक्स के पेजेस, तो किसी में भी 10 मिलियन 20 मिलियन से ऊपर के ही इनके, मतलब फैन फॉलोइंग है इनकी, बहुत ज़्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है। और शायद इस वजह से यूट्यूब भी डर गया था, और उन्होंने इनको बंद किया हुआ था कि ऐसा है कि आप अगर जो आओगे तो हमारा यूट्यूब क्रैश हो सकता है। इवन टिकटॉक पे जब इनका आया था, तो उस समय क्रैश होते होते टिकटॉक बच गया था, क्रैश नहीं हुआ था। इवन आपको शायद पता नहीं होगा कि किसी ने फेक अकाउंट रोनाल्डो के नाम से बनाया था, एंड विद इन अ 15 आवर्स वो जो है लगभग 4 मिलियन क्रॉस कर गया था। और उसके कोई भी ऐसे वीडियोज जो है जो आते थे, वो कोई भी वीडियोज जो है 10 मिलियन 15 मिलियन से कम में उनके व्यूज नहीं होते थे। तो दैट इज अ, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि रोनाल्डो क्रिस्टियानो की जो है फैन फॉलोइंग कितनी बड़ी होगी, कि लोग जो है, मतलब लोग पागल हैं, दीवाने हैं उसको देखने के लिए, उसके उसको जानने के लिए। और इस समय आप अगर जो चैनल के किसी भी पेज में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो हर दूसरी या तीसरी न्यूज़ जो है इन्हीं की है, रोनाल्डो क्रिस्टियानो की। सो मैंने भी सोचा कि आज चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हमने रीड आउट किया, स्टडी की। जानता था कि फुटबॉल प्लेयर है, बट मतलब उनके बारे में कि आखिर क्या है, क्यों है, थोड़ा बहुत स्टडी की मैंने, पढ़ाई की उनको। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन का बटन दबा दिए, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें, कि हमारे वीडियोज आपको आते रहें। हमारे ये वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर मैसेज करके बताइएगा कि हमारे वीडियोज आपको पसंद आए या नहीं आए। अगर जो उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। बट आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और कृष्णमय हो जाइए, और एक दिन के लिए रोनाल्डो क्रिस्टियानो को थोड़ा सा भूल के कृष्ण जी को याद करते हैं। जय श्री कृष्ण, थैंक यू।